हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हैदराबाद फ्यूजन। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मैं लव बर्ड्स, अफ्रीकन बर्ड्स, पिजन्स, कबूतर और कॉकटेल क्या फूड खाते हैं। ये फूड्स के वैरायटीज है। यहाँ पर पहले हम देख रहे हैं राला। राला जो लव बर्ड्स, अफ्रीकन बर्ड्स और कॉकटेल ये बहुत ही खुशी से खाते हैं, ये उनका फूड है राला। फिर उसके बाद ब्राउन चने, ब्राउन चना जो कॉकटेल को पानी में भिगा कर रख कर आप फीड कर सकते हैं, एक 5-6 आवर्स पानी में रखने के बाद ये फीड कर कर ये भी बहुत शौक से कॉकटेल खाते हैं। यहाँ पर मकई, मकई भी लव बर्ड्स और कॉकटेल्स बहुत शौक से खाते हैं, अफ्रीकन बर्ड्स भी और पिजन्स भी मकई खाते हैं। तो ये मकई कॉर्न जो है ये मिक्स कर कर इसको छोटे छोटे पीसेस में हम बर्ड्स को दे सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं वीट, गेहूँ। ये गेहूँ कबूतर, पिजन्स बहुत शौक से खाते हैं और इनको हम फीड कर सकते हैं कोई भी सीजन में। ये लोग खाते हैं वीट और गेहूँ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स अफ्रीकन लव बर्ड्स और कॉकटेल बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं। सनकनूर बर्ड्स भी सनफ्लावर सीड्स बहुत शौक से खाते हैं। तो ये अफ्रीकन बर्ड्स और कॉकटेल के लिए सनफ्लावर सीड मार्केट में बहुत इजी मिल जाते हैं, ये बहुत शौक से खाते हैं। यही वैरायटीज थे फूड के जो विंटर सीजन में, कोई भी सीजन में हम अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 5-6 फूड है, राला, ब्राउन चना, मकाई, गेहूँ और सनफ्लावर सीड। ये पूरे हम आइटम्स बर्ड्स को दे सकते हैं। ये लोग ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए भी ये खाते हैं और इस तरह से ये मार्केट में कहीं भी आपको इजी मिल जाएगा। जैसा ये उल सिटी में चौक है, मीर चौक पे ये आराम से मिल जाता है और कोई किराना जनरल स्टोर पे भी आप बोलकर ये आइटम्स ले सकते हैं और ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। तो इस तरह से मैं आपको इस वीडियो में यही बता रहा था कि बर्ड्स के फीडिंग फूड है जो हम अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर मुझे बताना कि आपको और किस चीज़ में वीडियो चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। गुड बाय फॉर नाउ।